वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी और आज है संडे, तो ब्रेकफास्ट में बन रहे थे आलू के पराठे। तो ये है मैंने इसमें डाले हैं प्याज के पत्ते और पालक के पत्ते और थोड़ी सी लहसुन और एक प्याज डाला था काट के बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, और साथ में डाला था हरी मिर्च। बस इसके बाद इसको अच्छे से मैश करके और बाकी मसाले अभी डालने हैं, तो इसको मैं अच्छे से जो है गूंद के रख दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि गर्म है तो थोड़े से हाथ से गूंदने के बाद ये थोड़े से ठंडे हो जाते हैं और सेट होना शुरू हो जाते हैं, नहीं तो आप एकदम से नहीं बना सकते हो गर्म गर्म ना, थोड़ी देर छोड़ने पड़ते हैं। फिर ये डाल दिया मैंने इसमें नमक, ये है जीरा, धनिया और लाल सूखी मिर्च, इनको भून के, और अगर आप भून के डालते हो ना ऐसे लाल मिर्च को भी इसमें, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया और इसको फिर से एक बार अच्छे से मैश कर लूँगी। जितना इसको बार बार मैश करते रहेंगे उतना अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। ये डाला था थोड़ा सा पनीर इसमें और साथ में हंसी की बातें चली हुई हैं, तो कोई मूवी देख रहा था तो मुझे बोल रहा था मम्मा वो मूवी आ रही है वेनम, बड़ा ही खुश हुआ हुआ था मूवी के नाम पे। तो ये बन रहा है मेरा आलू का पराठा, और आलू और पनीर का मिक्स था, बने बहुत अच्छे थे। मैंने तो खैर एक ही खाया था, मैंने नहीं खाया ज़्यादा क्योंकि मेरे मुंह में वैसे ही छाला पड़ा हुआ है, तो फ्राइड खा के और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाकियों के लिए, इनके लिए दो दो तीन तीन मैंने बना दिए थे और साथ साथ गर्म गर्म मैं इनको दे भी दी थी। और यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे हैं थ्री इडियट, तो और सोनी काट रही है फ्रांस बीन, थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा तू काट ले इसको। तो हैंसी भी टीवी देख रहा था साथ साथ, तो मैं इसको बोल रही थी कि स्कूल का काम भी करना है कल का बचा हुआ है, तो वो कॉपी निकाल ले अपनी फटाफट। थ्री इडियट मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको हम सब अच्छे से बड़े खुश होकर देख लेते हैं सारे के सारे इकट्ठे बैठ के। देखो अभी भी वो बुक निकाल बाद में रहा है नोटबुक, और इसका ध्यान पूरा टीवी में, क्लिपबोर्ड भी लेके आ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग है ना, अभी टाइम क्या हुआ, अभी तो है आधा घंटा है आफ्टरनून होने को, तो अभी होगी हूँ मैं फ्री काम कुम करके, अब इस महाराज को काम करवाती हूँ स्कूल का। छुपा के रखते हैं लेकिन डेटा कोई नहीं। हम देख रहे हैं मूवी थ्री इडियट, हम वैसे बड़ी बार देख चुके हैं तो बहुत अच्छी है ना। क्यों मुंह में हाथ डाल रहा है, गंदा फंस जाता है, फंस जाता है, दांत है नहीं तो हंसना ही। अब इसको करवा लेती हूँ मैं काम, नहीं ईवीएस का काम नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा मुझे साफ साफ लिख, साफ साफ लिख, मैंने बोला मेड ऑफ MADE मेड, मेड ऑफ स्नो SNOW स्नो, साफ साफ लिख स्नो एंड आइस, ICE आइस फुल स्टॉप। ये पहले वो किया मैंने क्या, बलून लिया उसमें पानी भरा फ्रिज में रखा पर कुछ तीन दिन तक हो गया बस, ये तीन दिन तक दिमाग खराब, दो दिन तक भी रख सकते हैं, रखा तो रखना पर तो हो गया ये, और अब हम उसको फोड़ेंगे। पागल हो गया लड़का, आ जाओ फिर तुम, हर कहीं बैठ जाता है, देख पजामू का हाल देख जरा, कहाँ डालेगा अब इसको, मैं ऊपर नहीं आ रही हूँ, तू ने यहाँ यही कहीं डालना तो डाल दे, मैं जा रही हूँ अंदर, नहीं तो फिर मैंने तो कौन पंगे लेने को बोल रहा तेरे को। हाँ
तो अब आपको समझ ही आ गया कि ये क्या कर रहा है। एक्चुअली इसने बलून लिया हुआ था, बलून में पानी भर के और इसको फ्रीजर में जमाया हुआ था। ये देखो पूरा बर्फ का गोला जैसा बन गया है ना। तो मुझे बोल रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं इसको बहुत जोर के तोड़ूंगा। और दिमाग मत खराब कर, मैं इसको गुस्सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धूप में मैंने इसको बोला मुझे रेस्ट करने दे, पर आप तो जानते ही हो इसको, इसके आगे किसी की नहीं चलती। तो बस इसको मैं बोलती कि अब तूने बर्फ़ का गोला तोड़ ही दिया है, तो इसको तू पौधों में डाल दे ताकि वो जो पानी भी उसका जो है वो पौधों को लग जाएगा। पर भाई ये हैंसी मारा है, इनमें पौधों में पानी भी हो जाएगा, ये किसी की नहीं सुनते हैं। रख दे ना साइड में, अपना पानी वो रस्ता। अब मैंने इसको बोला इधर डाल पौधों में और इसने क्या किया, ये सामने जो अम्मा रहते हैं ना इनके लैंडर पे डाल दिया। नहीं देखो मतलब मैं जितना मर्जी डांट लूं इसको कोई असर नहीं है। बारिश हो रही है, मैं जा रही हूं अंदर अपना कुत्ता रे पंगे। समझ आई तेरे को? मैं जा रही हूं। और ये शाम को फिर से बादल आ गए थे, दिन में हल्की हल्की धूप थी और ये देखो बादल भी हैं और साथ में धूप ही है। वो ग्लोजी वाली साइड तो वैसे भी बादल ही रहते हैं। तो और ये मैं कर रही थी शाम के खाने की तैयारी, और यहाँ पे जो हो रहा है ये मैं प्याज और लहसुन अदरक डाल के और एक हरी मिर्च मैंने वैसे ही डाल दी थी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जीरा धनिया वगैरह डाल दिया था, और बस इसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और मेथी पाउडर। उसके बाद बस इसको अच्छे से इसको हल्दी को पका लूंगी, और हल्दी को पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी सब्जी। और अभी क्या है कि अभी सब्जियां लगनी शुरू हो गई हैं जो लगाई हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी हरी सब्जियाँ जो है आपको मतलब अगर हम बाज़ार से नहीं भी लाएँ तो अपने खेतों से जो मिल जाती है तो वो हो जाती है। तो ये थी फ्रांस बीन, आलू और थोड़े से पालक के पत्ते। अब भाई हंसना मत कि पालक ही पालक होता है। अब सुबह भी लाए होते हैं पालक तो मैं सुबह भी डाल देती हूँ, शाम को लाते हैं तो मैं शाम को डाल देती हूँ, तो जो भी सब्ज़ी बनती है उसमें मैं डाल देती हूँ। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ऐसे पकने दूँगी ढक्कन लगा के, और इसमें एक चीज़ और डलेगी तो उसको भी, उसके लिए अब आप वीडियो को पूरा देखिए कि मैं क्या डाल रही हूँ इसमें। और कुछ लोगों को तो पता भी है कि मैं क्या डालती हूँ, मेरा स्पेशल क्या डलता है, और जिसने कल की वीडियो देखी है वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो मैंने घी बनाया था ना, मैंने आपको बताया भी था कि जो मैं घी बनाती हूँ उसका जो है ना ये कच्चा ही निकाल लेती हूँ, ये पनीर होता है ना ये, तो उसको फेंकते नहीं है, बहुत हेल्दी होता है ये। जितना बोलते हैं घी हेल्दी होता है उतना ही ये हेल्दी होता है। ये बीच में जब आप मलाई का घी बनाते हो तो ये पनीर टाइप में कुछ ऐसे निकलता है, तो ये मैंने निकाल दिया था, उसमें घी भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अब मैं बस ऐसे करके सब्ज़ी के साथ डाल दूँगी इसको, और ये सब्ज़ी के साथ पकेगा। और आपने नोट किया होगा मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, टमाटर इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि ये खट्टापन देता है तो फ्लेवर भी आ जाता है और आपके टमाटर की कमी भी पूरी हो जाती है इधर। और टेस्ट तो खैर आप समझ ही सकते हो कि जैसे देसी घी का तड़का लगता है, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आता है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके कोई ज़्यादा नहीं 5 मिनट पकने देना है और ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और ये लोग लगे हुए हैं घर की जो रोड मतलब रास्ते वाली साइड है उस साइड, ये नालियाँ ना बहुत सारी, ये नाली में जो है ये पाइपें डाल दी है लोगों ने, तो बस इसी को साइड में कर रहे हैं और यहाँ पर बनेगी नाली, क्योंकि फिर बारिश का यहाँ पे क्या होता है कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है एक साथ, उसी के लिए कर रहे हैं यहाँ पे ये। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं छत पे जा रही हूँ यार, मैं छत पे इसलिए जा रही हूँ थोड़ी देर, चलो ताज़ी हवा भी खानी चाहिए ना, कितनी देर आप अंदर आएंगे। आज तो मैंने वैसे भी पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े पूरा दिन बेड पे निकाल दिया, थोड़ा बहुत काम किया, और बस अभी मैंने कहा चलो थोड़ी देर छाते छत पे, और चाय भी ले आई हूँ मैं अपनी साथ में।
तो चाय भी पी लूँगी थोड़ी सी, और साथ में मैंने कहा अपना ब्लॉग जो है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो फिर वो उसके लिए बिल्कुल शांत चाहिए, या नीचे रहो तो नीचे बच्चे हल्ला डालते रहते हैं, और बाहर भी वैसे थोड़ा थोड़ा हल्ला होता ही है, लेकिन चलो यहाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और कमेंट पसंद अगर आपको जो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और मौसम भी देख लो थोड़ा सा। चलिए मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।